चलिए इसी बीच किन्नौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रही है। किन्नौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जनजातीय जिले में दुश्वारियां बरकरार है। किन्नौर में सड़क बहाली का काम जारी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्रशासन दरअसल सड़क बहाल कर रहा है। BRO की तरफ से सड़क बहाली का काम जारी है। PW के साथ दरअसल जिला प्रशासन काम कर रहा है। सड़क पर बर्फ जमी है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किन्नौर में सड़क बहाली का काम ये जारी है और जिला प्रशासन सड़क बहाली के काम में जुटा हुआ है। किन्नौर से ये तस्वीरें सामने आई है। PWD के साथ दरअसल जिला प्रशासन काम कर रहा है और क्योंकि जनजातीय जिला किन्नौर की अगर बात करें तो कई दिनों पहले ही यहाँ से बर्फबारी और बर्बादी के कारण जो दुश्वारियां हैं उसकी खबरें सामने आ रही थी और इस बाबत अब लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए सड़क ने प्रशासन ने फैसला किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। PWD के साथ दरअसल जिला प्रशासन काम कर रहा है और आपको ये भी बता दें कि लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की जा रही है। अनिल नेगी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल, कितनी सड़कें बंद है किन्नौर जिले की अगर बात करें और जिला प्रशासन की तरफ से अपील भी की गई लोगों से? देखिए महिमा, जिला किन्नौर में जो है 73 पंचायत है। इन 73 पंचायतों में आज पूरी तरह से जो है सड़क संपर्क मार्ग अवरुद्ध है। प्रशासन लगातार मशीनों की सहायता से इन सड़कों की बहाली के लिए भी प्रयास कर रहा है लेकिन बर्फबारी को देखते हुए लगता नहीं महिमा कि कल तक ये सड़कें खुल पाएगी, क्योंकि जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में करीब 3.5 फीट बर्फबारी हुई है। अभी जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपी में मैं बताना चाहूंगा आपको कि करीब करीब 2 से 2.5 फीट जो है बर्फबारी हुई है। ऐसे में मशीनों और जो मशीनों के जो मजदूर है उसमें जो काम करते हैं उन्हें भी जो है बर्फबारी में जो है काम करना काफी मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि नदी नालों के आसपास जो है ग्लेशियरों का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन जो है कदम फूंक फूंक कर रख रहा है कि सड़क को बहाली करे। जी महिमा जी, अनिल क्योंकि बर्फबारी के कारण दुश्वारियां भी लगातार बढ़ती जा रही है, आपकी स्थानीय लोगों से बातचीत हुई होगी, उनका क्या कहना है? देखिए महिमा, जिला किन्नौर का जो हांगरंग घाटी है जो चीन बॉर्डर से लगता है वहां पर बीते कल से ही जो है मोबाइल सेवाएं बंद है। अभी जो मैं रिकांगपियो की बात करूं, जो जिला किन्नौर का जो मुख्यालय, यहां पर भी बीते कल से जो है बिजली गुल है। ऐसे में जो है लोगों से संपर्क करना भी बहुत मुश्किल हुआ है। दुश्वारियां इतनी बढ़ चुकी है कि 1 किलोमीटर पे अगर आपको चलना है तो करीबन करीबन आधा घंटा का जो है समय, आधा या 1 घंटे का जो है समय लग रहा है। ऐसे में लोगों से संपर्क करना भी बहुत मुश्किल है। ये जो बर्फबारी हुई है, लंबे अरसे के बाद ऐसी बर्फबारी देखने को मिला है, क्योंकि 3 से 4 वर्ष इस तरह की बर्फबारी नहीं थी। लगातार 3 दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में किसी भी लोगों से अभी संपर्क करना मुश्किल है। हालांकि प्रशासन से सुबह ही एक फोन संपर्क के माध्यम से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन लगातार किन्नौर के सड़क बहालियों के लिए भी प्रयास कर रहा है। और सबसे बड़ी बात महिमा, जिला किन्नौर में 15 से 18 वर्षीय जो किशोर है उन्हें टीकाकरण के लिए जो है प्रशासन के सामने चुनौती बनकर खड़ा हुआ है, क्योंकि आज यानी 10 तारीख को प्रशासन की ओर से 15 से 18 वर्षीय किशोरों को टीकाकरण पूरा करने का एक जो लक्ष्य रखा था वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि अत्यधिक जो है जिला किन्नौर में बर्फबारी हुई है। जी महिमा, आपने बिल्कुल सही कहा कि बर्फबारी है, दुश्वारियां है, यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, बिजली गायब है, पानी की किल्लत और साथ ही जो वैक्सीनेशन अभियान पूरा करना था उसमें भी अब बड़ी चुनौती ये मौसम बनकर साबित हो रहा है। शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे किन्नौर से, लोगों से एहतियात बरतने की बार बार प्रशासन अपील कर रहा है कि सावधानी बरतिए और ऊंचाई वाले इलाकों से, नदी नालों से दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि जो बर्फबारी हुई है वो परेशानियां और ज्यादा बढ़ा सकती है।